हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक कोरियन मूवी जिसका नाम है 100 डेज विद मिस्टर एरोगेंट। एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसमें आपको एरोगेंट रिच बॉय फॉल फॉर डंब गर्ल वाला कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है जो लिटरली बहुत ही ज्यादा कॉमेडी और रोमांस से भरी हुई है। और ये मूवी हमें इनडायरेक्टली ये बताती है कि कैसे प्यार किसी भी इंसान को बदल सकता है। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमारी लीड कैरेक्टर कैंगा एक सपना देख रही होती है और वो सपने में अपने प्रिंस चामिन को बुलाती है, पर प्रिंस चामिन की जगह एक अजीब से दिखने वाला लड़का आकर उसे किस करने वाला होता है, जिसे देखकर कैंगा शॉक्ड हो जाती है और इस शॉक्ड से कैंगा जाग जाती है। और जागते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और उसको चिल्लाता हुआ देखकर उसके सभी क्लासमेट शॉक हो जाते हैं। तभी उसका टीचर कैंगा के पास जाता है और उसके गालों को खींचने लगता है और बोलता है, तुम फिर से क्लास में सो रही थी ना। इसके बाद हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है। तभी कैंगा अपने सपने के बारे में अपनी फ्रेंड्स को बताती है और उसके सपने को सुनकर उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत ही जल्दी अपने लाइफ के प्रिंस चामिन से मिलने वाली हो। कैंगा बोलती है कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद हमें हमारे मेल लीड कैरेक्टर का थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया जाता है जो स्विमिंग पूल से बाहर आता है और उसे देखकर सभी लड़कियां फ्लैट हो रही थीं। और वहीं दूसरी ओर कैंगा का बॉयफ्रेंड उससे बोलता है, मुझे ब्रेकअप करना है। ये सुनकर कैंगा बोलती है, कल हमारे रिलेशनशिप का 100वां दिन है, तुम्हें मुझे प्रेजेंट देना चाहिए, उसके बदले तुम मुझे डंप कर रहे हो। चलो कोई नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें डंप करने वाली थी। और ये बोलने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में वहां से चली जाती है और रोड पर थोड़े से फ्रस्ट्रेशन और थोड़े से सैडनेस के साथ चल रही होती है। तभी उसे एक कोल्ड ड्रिंक का कैन दिखता है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो उस कैन को जोर का एक किक मारती है, जिसकी वजह से वो कैन सीधा जाकर हमारे मेल लीड जून जून के सर पे जाके लग जाती है जो ड्राइव कर रहा होता है। पर उस कैन की वजह से वो अपना कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से उसकी कार सीधा जाकर दीवार से टकरा जाती है, पर लकली उसे कोई चोट नहीं आती है। तभी वो अपने कार से बाहर निकलता है और गुस्से में कैंगा से बोलता है, तुम्हारे वजह से मैं लगभग मरने ही वाला था। कैंगा बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया था, वैसे भी मेरा मूड बहुत पहले से खराब है, मुझे और परेशान मत करो। यूनियन बोलता है, अच्छा छोड़ो ये सब, पहले बोलो तुम मेरे कार के डैमेज का क्या करोगी। कैंगा बोलती है, तुम बहुत अमीर दिख रहे हो, क्या तुम इसके बारे में भूल नहीं सकते हो क्या, वैसे भी मैं बहुत गरीब हूँ। यूनियन बोलता है, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मुझे पैसे चाहिए। कैंगा बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे डैमेज के पैसे पे कर दूंगी। यूनियन बोलता है, तुम्हें पता भी है उस कार की कीमत कितनी है। कैंगा बोलती है, मुझे बताओ कितनी है। यूनजुन बोलता है, अच्छा चलो, तुम एक स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ, चलो मुझे $3,000 दो। कैंगा बोलती है, क्या इतना ज्यादा। और ये बोलने के बाद वो यूनजुन से बोलती है, देखो वहाँ पुलिसमैन खड़े हैं। ये सुनकर यूनजुन पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं खड़ा होता है। तभी कैंगा वहाँ से भाग जाती है पर वो गलती से अपना पर्स वहाँ गिरा देती है। जब यूनजुन उसके पर्स को खोल के देखता है तो उसमें कैंगा का आईडी कार्ड होता है जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कैंगा सपना देख रही होती है कि यूनजुन ने उसके घर पर पूरी पुलिस फोर्स बुलाई है और वो ऑफिसर्स अनाउंस कर रहे हैं कि कैंगा यू आर अंडर अरेस्ट। ये बोलकर वो सभी ऑफिसर्स कैंगा के घर पर ओपन फायर करने लगते हैं और इसी शॉक्ड से कैंगा जाग जाती है। तभी यूनजुन कैंगा को कॉल करता है तो कैंगा बिना नंबर देके फोन उठा लेती है और यूनजुन पर चिल्लाने लगती है, ये सोचकर कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिनवू है। तभी यूनजुन बोलता है, तुम पागल हो क्या, और ये जिनवू कौन है, मैं यूनजुन बोल रहा हूँ। कैंगा बोलती है, कौन यूनजुन। यूनजुन बोलता है, वही यूनजुन इसकी कार तुमने डैमेज कर दी है। ये सुनकर कैंगा तुरंत फोन काट देती है। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैंगा अपने दोस्तों के साथ स्कूल से बाहर आती है तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। और जब कैंगा वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं, इसमें लिखा होता है, कैंगा बाहर आओ। ये देखकर कैंगा उन सभी पोस्टर्स को फाड़ने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बहुत समय हो गया ना। ये सुनकर कैंगा अपने बगल में देखती है तो वहाँ यूनजुन खड़ा होता है और उसे देखकर सभी लड़कियां फ्लैट हो रही थीं। तभी यूनजुन कैंगा के पास आता है और उसे उठाकर वहाँ से जबरदस्ती लेके चला जाता है और कैंगा चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, ये मुझे किडनैप कर रहा है। इसके बाद वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं। तभी कैंगा सोचने लगती है कि कहीं ये मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं ले जा रहा है ना, जहाँ सभी ऑफिसर्स मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे, या फिर कहीं ये मुझे किसी सुनसान पहाड़ पे ले जाके दफना तो नहीं देगा ना। और ये सब सोचने के बाद वो यूनजुन से बोलती है, तुम मुझे मारने वाले तो नहीं हो ना। यूनजुन बोलता है, मैं तुम्हें मारने तो नहीं वाला हूँ, पर तुम्हें मुझे मेरे $3,000 देने होंगे। कैंगा बोलती है, मैं गरीब हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। यूनजुन बोलता है, इसका मतलब तुम मेरे पैसे पे नहीं कर सकती हो, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। कैंगा बोलती है, क्या है ये। यूनजुन बोलता है, पढ़ो और खुद जान जाओ, वैसे 30 बक डेली के हिसाब से 100 दिन लगेंगे तुम्हें पूरा पेमेंट करने में। ये सुनकर जब कैंगा वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, बंधुआ मजदूर के लिए एग्रीमेंट। ये देखकर कैंगा बोलती है, ये ठीक नहीं है। यूनजुन बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से ही ये पैसे मांग लेता हूँ। कैंगा बोलती है, अच्छा अच्छा, मैं साइन करती हूँ। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगती है और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते पढ़ते वो सोचने लगती है कि कहीं मुझे अपना स्लिप बनाकर
कर गैंगस्टर को मुझे बेच तो नहीं देगा ना, या फिर कहीं ये मुझसे जबरदस्ती शादी न कर ले। ये सब सोचने के बाद युनजुन से पूछती है, तुम ऐसा कुछ तो नहीं करोगे ना? युनजुन बोलता है, तुम पागल हो क्या, तुम तो उतनी खूबसूरत भी नहीं हो, चुपचाप साइन करो। ये सुनकर कैंगा साइन कर देती है और साइन होने के बाद युनजुन बोलता है, मैं तुम्हारा आईडी कार्ड तुम्हें तभी वापस करूंगा जब तुम्हारा एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तभी कुछ स्टाफ आकर उन दोनों के टेबल पर खाना सर्व करते हैं और उन फैंसी फूड्स को देखकर कैंगा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे ये सब टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। तभी युनजुन अपना क्रेडिट कार्ड उसके तरफ फेंक कर बोलता है, मैं अपने नौकरों के साथ खाना नहीं खाता हूँ, और ये लो मेरा कार्ड और थोड़े से कुकीज खरीद लेना और ज्यादा पैसे खर्च मत करना। ये सुनकर कैंगा मुंह बना लेती है, पर वो दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर युनजुन के कार्ड की मदद से बहुत ही ज्यादा खाना ऑर्डर करके खाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैंगा के सभी दोस्त उससे पूछते हैं, तुम्हें इतना हॉट लड़का कैसे मिल गया, और उसके पास तो इतनी महंगी कार भी है और वो अमीर है और हैंडसम है, इसका मतलब तुम्हारा सपना सच हो गया ना? तुम लोग कितने समय से डेट कर रहे हो, तुम लोग पहली बार कैसे मिले और क्या तुम दोनों ने वो किया? कैंगा भी अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने लगती है और अपने और युनजुन के बारे में बहुत सारी झूठी मूठी बातें बनाती है। उसने मुझे 5-स्टार रेस्टोरेंट में डिनर करवाया और वो तो मेरे प्यार में इतना पागल है कि वो मेरा नौकर भी बनने के लिए तैयार है। तभी उसे युनजुन का कॉल आता है जो उसे अपने घर पे बुलाता है। कैंगा बोलती है, पर स्कूल खत्म होने में अभी 2 पीरियड बचे हैं, पर युनजुन उसकी बात नहीं सुनता और फोन काट देता है, और इसलिए कैंगा स्कूल से हाफ डे लेने के लिए अपने आंखों में जानबूझकर सैनिटाइजर मार लेती है, जिसकी वजह से उसकी आंख बहुत ज्यादा जलने लगती है, और ऐसा करने के बाद वो सीधा टीचर के ऑफिस में चली जाती है। तो टीचर उसके आंखों को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे आंखों को क्या हुआ? तभी कैंगा टीचर से पूछती है, टीचर क्या मैं घर जा सकती हूँ क्या? इसके बाद कैंगा युनजुन के घर जाती है तो उसका पूरा घर फैला होता है और कैंगा को देखकर युनजुन बोलता है, मेरे पापा आज घर पर आने वाले हैं, तुम्हें पता है ना क्या करना है, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद जब वो टाइम देखती है तो उसके पास लगभग 1.5 घंटे होते हैं, इसलिए वो जल्दी से घर की सफाई करने लगती है। तभी उसे एक अडल्ट मैगजीन मिलती है और वो उस मैगजीन को देखकर वो उन मॉडल्स की तरह पोज देने लगती है। कुछ देर पोज देने के बाद वो दोबारा से काम करने लगती है और पूरा घर साफ करने के बाद जब सिर्फ एक कपड़ा बस्ता हटाने को तो कैंगा उसे बहुत ही स्टाइलिश वे में फेंकती है, जिसकी वजह से वो कपड़ा सीधा जाकर युनजुन के पापा के मुंह पर जाके लग जाता है। और कैंगा को देखकर युनजुन के पापा युनजुन से पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम माइनर को डेट कर रहे हो? युनजुन बोलता है, अरे पापा ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक नौकर है। और ये बोलने के बाद वो कैंगा से बोलता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी वो उसे थोड़े पैसे देता है और बोलता है, थोड़े कुकीज खा लेना। और कैंगा उन पैसे को लेकर लिफ्ट में चली जाती है तो युनजुन की नाइबर कैंगा को पैसे लेकर युनजुन के घर से निकलते हुए देखती है और वो भी लिफ्ट में जाती है। और लिफ्ट में वो नाइबर कैंगा के मैच्ड अप ड्रेस और उसके ड्रेस पर लगे साबुन के झाग को कुछ और समझ रही होती है और कैंगा के हाथ में पैसे और कैंगा के हाथ के एक्शन और मुंह के एक्सप्रेशन को देखकर वो और भी उल्टी सीधी बातें सोचने लगती है। और उस नाइबर को देखकर कैंगा सोचने लगती है, वो मुझे इतने अजीब तरह से क्यों देख रही है। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां युनजुन जानबूझकर कैंगा को अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाता है और उससे अपने सारे शॉपिंग बैग्स उठवाता है, जिसके बाद वो कैंगा को मूवी दिखाने ले जाता है, पर वहां भी वो कैंगा को बार बार पॉपकॉर्न लेने भेज दे रहा था, जिसकी वजह से कैंगा मूवी देख ही नहीं पा रही थी। और ऐसा करते करते पूरी मूवी खत्म हो जाती है, जिसके बाद युनजुन उससे अपनी कार धुलवाता है और ये सभी काम खत्म होने के बाद वो उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है, ये लो और कुकीज खा लेना। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें कैंगा के पापा दिखाए जाते हैं जो ड्राइव कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक लड़की दिखती है जो मिनी स्कर्ट पहनी होती है और जब वो लड़की अपनी वॉच उठाने नीचे झुकती है तो उसकी पैंटी दिखने लगती है। इसलिए कैंगा के डैड अपने ड्राइविंग पे फोकस ना करके उस लड़की की पैंटी को देखने में फोकस करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार जाकर टकरा जाती है और उनके कार पर स्क्रैच आ जाता है, जिसके बाद वो अपने कार का स्क्रैच ठीक करवा रहे होते हैं तो वहाँ कैंगा भी होती है। तभी मैकेनिक बोलता है, मैं इस स्क्रैच को पेंट करने के लिए 20 बक्स लूंगा। कैंगा के पापा बोलते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें 10 बक्स दूंगा। और ये सुनकर कैंगा बोलती है, स्क्रैच को ठीक करने में सिर्फ इतना लगता है और फॉरेन कार लेक्सस 430 क्या उसके स्क्रैच को ठीक करने में कितना लगेगा? मैकेनिक बोलता है, ज्यादा 20 बक्स में फॉरेन कार की भी स्क्रैच ठीक हो जाती है। ये सुनकर कैंगा बहुत गुस्सा हो जाती है और इसलिए वो जाती है और पेंट से युनजुन के कार पे लिख देती है कि मालिक, मैंने आपके कार के विंडो को धूप से बचाने के लिए पेंट कर दिया है। ये देखकर युनजुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपार्टमेंट की ओर जा रहा होता है। तभी वहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं और युनजुन के बारे में उल्टी सीधी बातें बड़बड़ा रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि कैंगा सबको एक पोस्टर बांट रही होती है, जिस पोस्टर में युनजुन की फोटो लगी होती है और उसमें लिखा रहता है, ये एक लेक्सस 430 में घूमने वाला वुमेनाइजर है जिसने मुझे छोटी सी उम्र में माँ बना दिया। ये देखकर युनजुन गुस्से में जाता है और कैंगा का हाथ पकड़कर उसे सबसे दूर अकेली जगह पर ले जाता है और उसके बैग में रखे बेबी डॉल को उठाकर बोलता है, ये सब क्या है? कैंगा चिल्लाकर बोलती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तभी युनजुन उस डॉल को फेंक देता है, जिसे देखकर
देखकर कैंगा बोलती है, बेचारा मेरा बच्चा, तुमने उसे फेंक दिया। युनजुन बोलता है, तुम ये सब क्या कर रही हो। कैंगा बोलती है, मुझसे मत पूछो, तुम ही थे वो जिसने मुझसे $3,000 के बारे में झूठ बोला। युनजुन बोलता है, तो फिर हमारे एग्रीमेंट का क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें एग्रीमेंट तोड़ने की वजह से जेल भी भेज सकता हूँ। कैंगा बोलती है, ऐसा है तो मैं तुम पे केस कर दूंगी फ्रॉड करने के लिए। ये सुनकर युनजुन अपने घुटनों पर बैठकर बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर केस मत करना, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा, जाओ जो मन में आए वो करो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर कैंगा युनजुन को धक्का देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद कैंगा क्लास में होती है। तभी युनजुन का मैसेज आता है कि मुझे वापस कॉल करो, नहीं तो सोच लेना। ये मैसेज पढ़कर वो उससे वीडियो कॉल करती है और उसे चिढ़ाकर फोन काट देती है। इसीलिए युनजुन उससे मिलने उसके स्कूल जाता है, तो कैंगा उसे देखकर वहां से भाग जाती है और युनजुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे पकड़ नहीं पाता है और कैंगा अपने घर में चली जाती है। इसके बाद जानबूझकर युनजुन कैंगा के मॉम के सामने जाकर एक पोस्टर लगा रहा होता है, जिसमें लिखा होता है प्राइवेट ट्यूटर, वो भी बिना किसी फीस के। युनजुन वो पोस्टर पोल पे कैंगा के अपार्टमेंट के लिफ्ट में और कैंगा के डोर पे भी लगा देता है, जिसके बाद कैंगा की मॉम कंप्यूटर के थ्रू क्लास टीचर से बात कर रही होती है। तभी टीचर उनसे बोलते हैं, अभी अभी ट्रायल एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, मैं आपको कैंगा के रिजल्ट भेज देता हूँ। जिसके बाद कैंगा घर आती है तो उसकी मॉम उससे उसका रिजल्ट दिखाती है और बोलती है, तुम्हें मैथ में बस 2 पॉइंट मिले हैं, क्या तुम अपना दिमाग जरा सा भी पढ़ाई में नहीं लगाती हो, ये तुम्हारे नए प्राइवेट ट्यूटर हैं जो तुम्हें आज से ट्यूशन पढ़ाएंगे। और जब कैंगा सर उठाकर देखती है तो वो युनजुन को देखकर शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद युनजुन कैंगा को उसके कमरे में ले जाता है और उसे धक्का देकर बोलता है, तुम्हें मरना है क्या। कैंगा बोलती है, मुझे माफ कर दो। युनजुन बोलता है, मुझे माफ कर दो मालिक बोलो। ये सुनकर कैंगा बोलती है, मुझे माफ कर दो मालिक, जिसके बाद युनजुन उसे सच में पढ़ाने लगता है, पर कैंगा सच में इतना ज्यादा डंप रहती है कि युनजुन खुद ही परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें वो दोनों स्पा हाउस में दिखाए जाते हैं। तभी युनजुन बोलता है, चलो मुझे बैक मसाज दो। ये सुनकर कैंगा जानबूझकर युनजुन को बहुत ही हार्डकोर और हार्श मसाज देती है और वहाँ युनजुन की नाइबर भी होती है, जो उन दोनों को ऐसी वैसी हरकत करते हुए देखकर नाइबर्स उन दोनों के बारे में दोबारा उल्टी सीधी बातें सोचने लगती है। जिसके बाद वो दोनों कैरोके में दिखाए जाते हैं और वहाँ कैंगा गाना गा रही होती है, पर वो बहुत ही बेसुरा गा रही होती है, इसलिए युनजुन उसे चुप होने के लिए बोलता है और खुद जाकर गाना गाने लगता है और वो सच में बहुत ही अच्छे से गा रहा होता है, इसलिए कैंगा उसे प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है। तभी वो सोचती है, ये मुझे क्या हो रहा है। जिसके बाद युनजुन कार की गैस खत्म होने की वजह से पूरे रास्ते कैंगा से धक्का मरवाता है और जब वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो बारिश होने लगती है, इसलिए कैंगा जल्दी से छाता खोलकर युनजुन के पास आ जाती है और उससे अपने छाता के अंदर ले लेती है और बोलती है, बारिश तुम्हें टकला कर सकता है। युनजुन बोलता है, सच में। ये बोलकर वो उससे वो छाता छीन लेता है और बोलता है, अब तुम जा सकती हो। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है और कैंगा बारिश में भीग रही होती है। तभी युनजुन पीछे मुड़ता है तो कैंगा को लगने लगता है कि उससे मेरी परवाह हो रही है, इसलिए वो पीछे मुड़ा, पर युनजुन अपनी कार लॉक करने के लिए पीछे मुड़ता है और अपनी कार लॉक करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैंगा और उसके क्लासमेट्स का समर वेकेशन शुरू हो गया है, इसलिए वो सभी खुशी से उछलने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों बीच पर दिखाए जाते हैं। तभी युनजुन पूछता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है ना। कैंगा बोलती है, क्या बात कर रहे हो, मैं लड़कों के बीच बहुत पॉपुलर हूँ। युनजुन बोलता है, अच्छा तो फिर क्या तुमने किसी लड़के को किस किया है। कैंगा शो ऑफ करने के लिए बोल देती है, और नहीं तो क्या, वैसे तुम्हारा क्या, तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया है। युनजुन बोलता है, लड़कियां बस मुझे एक परेशानी लगती हैं और कुछ नहीं। कैंगा बोलती है, इसका मतलब तुम्हें कोई पसंद नहीं है। और कैंगा कितना बोलते ही युनजुन अपने लिप्स कैंगा के मुंह के पास ले जाने लगता है, जिसकी वजह से कैंगा को लगने लगता है कि वो उससे किस करने वाला है, पर वो उसे धक्का देकर बोलता है, हटो, तुम्हारे वजह से मेरे हाथ में झुंझुनी चढ़ रही है। जिसके बाद वो दोनों बीच पर बैठकर एक कपल को देख रहे होते हैं जो सी में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वो लेडी डूबने लगती है, इसलिए दोनों और उस लेडी का पार्टनर उसे बचाने लगते हैं। तभी उसका पार्टनर उसे लिप टू लिप CPR देने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसकी पार्टनर मुस्कुराकर उठती है और अपने पार्टनर को किस करने लगती है। ये देखकर कैंगा भी युनजुन को देखकर पाउच करने लगती है, पर युनजुन उसका चेहरा पकड़कर उसे धक्का दे देता है। जिसके बाद कैंगा बंजिंग जंपिंग करने जाती है तो इंस्ट्रक्टर उससे पूछता है, तुम्हारा वेट कितना है। कैंगा बोलती है, 50 kg। इंस्ट्रक्टर बोलता है, ठीक ठीक बताओ, नहीं तो बंजिंग कॉर्ड टूट सकता है। ये सुनकर कैंगा बोलती है, असल में मेरा वेट 53 kg है। ये देखकर एक आदमी हंसने लगता है और उस आदमी को हंसता हुआ देखकर युनजुन बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड 60 kg की दिख रही है। वो आदमी बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ 59 kg की है। युनजुन बोलता है, चाहे जो भी हो, ये मुझे 60 kg की लग रही है। वो आदमी बोलता है, अपना मुंह संभाल कर बात करो। युनजुन बोलता है, संभालने की जरूरत तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड को है, उसका वेट। और युनजुन के इतना बोलते ही उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और वहीं दूसरी ओर ऊंचाई के डर के वजह से कैंगा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और ये देखकर युनजुन बिल्कुल सुपर हीरो की तरह जाता है और जम करके उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद युनजुन अपने कार में बैठा होता है, तभी वो एक पोस्टर दिखता है जिसमें लिखा होता है, अपनी गर्लफ्रेंड को
अपना प्यार जताएं उसे 100 डेज एनिवर्सरी की स्पेशल रिंग देकर। और ये सब देखने के बाद वो कैंगा को फोन मिलाता है और बोलता है, तुम्हें पता है ना कल कौन सा दिन है, इसीलिए कल 7 बजे डाइस रेस्टोरेंट में पहुंच जाना और थोड़े मेकअप लगा लेना, हमेशा की तरह जंगली मत दिखना। ये बोलकर वो फोन काट देता है और कैंगा सोचने लगती है कल कौन सा दिन है, और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि कल युनजुन का बर्थडे होगा, इसलिए वो सज संवर कर उस रेस्टोरेंट में जाती है। तो युनजुन अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ वहां बैठा होता है, तभी कैंगा भी उसे जाकर ज्वाइन कर लेती है। और उसके वहां जाते ही युनजुन बोलता है, तुम बहुत ही अच्छी नौकर बनी। कैंगा बोलती है, क्या 100 दिन ऑलरेडी पूरे हो गए? युनजुन बोलता है, तुम क्या चाहती हो ये सब और लंबा चले? कैंगा बोलती है, नहीं नहीं मुझे फ्री होकर अच्छा लग रहा है। जिसके बाद युनजुन कैंगा को घर छोड़ने जाता है, और जब वो वहां से जाने वाली होती है तभी वो उसे अचानक से किस कर देता है। और ये सब देखकर पहले तो कैंगा शॉक्ड हो जाती है, पर बाद में वो शर्मा कर अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। पर ये सब ऊपर से कैंगा की मॉम भी देख लेती हैं, और कैंगा के वहां से जाने के बाद युनजुन सोचता है, अरे मैं तो उसे रिंग देना ही भूल गया। जिसके बाद हमें कैंगा की मॉम और युनजुन साथ में दिखाए जाते हैं, और कैंगा की मॉम युनजुन के ऊपर सामान फेंक फेंक कर बोलती है, माना कि तुम थोड़े से क्यूट हो स्मार्ट हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे। युनजुन बोलता है, मैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा था। कैंगा की मॉम बोलती है, तो फिर तुमने उसे पब्लिक प्लेस पर किस क्यों किया? मैं इस बार तुम्हें जाने दे रही हूँ क्योंकि तुम क्यूट हो, पर अगर तुम दूसरी बार मेरी बेटी के आसपास भी दिखे तो सोच लेना। जिसके बाद कैंगा अपने ट्यूशन टाइम में सज संवर कर बैठी होती है, ये सोचकर कि युनजुन उसे ट्यूशन देने आएगा, पर वो अपनी नई ट्यूशन टीचर को देखकर शॉक्ड हो जाती है। और अपने ट्यूशन के बाद जब वो युनजुन को फोन मिलाती है तो उसका फोन नहीं लगता है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, और वहां पर भी वो उसे अवॉइड कर रहा था। इसीलिए कैंगा बोलती है, मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि मेरी बात तुमसे नहीं हो पा रही थी। युनजुन बोलता है, क्या तुम मेरे बिना पढ़ नहीं सकती हो क्या? वैसे भी मैं तुम्हें कुछ पढ़ा कहां रहा था? कैंगा बोलती है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। क्या मतलब पढ़ाई का, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है, और मैंने तो कॉलेज ना जाने का फैसला भी कर लिया है। युनजुन बोलता है, तो फिर तुम क्या करोगी? कैंगा बोलती है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। युनजुन बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था और अब मेरा तुमसे मन भर गया है, और इसीलिए आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना और मुझे परेशान मत करना। जिसके बाद कैंगा अपने दोस्तों के साथ दिखाई जाती है और उन्हें अपनी सिचुएशन बताती है। ये सुनकर उसकी दोस्त बोलती है, ये दुनिया आदमियों से भरी पड़ी है, वो अकेला थोड़ी ना है, बहुत से लड़के हैं। वैसे भी मेरी मम्मी कहती है, किसी भी आदमी को भूलने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, इसीलिए ड्रिंक करो और उसे भूल जाओ। और 10 सेकंड बीतने के बाद कैंगा की दोस्त बोलती है, 10 सेकंड बीत चुके हैं, तुम उसे भूल गई हो ना? कैंगा बोलती है, मेरा दिल अभी भी दुख रहा है। जिसके बाद कैंगा रास्ते पर चल रही होती है, तभी उसे युनजुन दिखता है जो उसे इग्नोर करके उसके बगल से चला जाता है। तभी कैंगा बोलती है, युनजुन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम सच में मेरे साथ सिर्फ खेल रहे थे? तुम मजाक कर रहे थे ना? मुझे बताओ कि तुम उस दिन सीरियस नहीं थे। युनजुन प्लीज कुछ तो बोलो, अभी मजाक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर युनजुन उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में कैंगा अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में आती है, तो उसके अपार्टमेंट के लेटर बॉक्स में लेटर होता है, और जब वो उस लेटर को खोलती है तो उसमें से एक रिंग निकलती है, और उस रिंग को देखने के बाद कैंगा भाग के जल्दी से युनजुन के अपार्टमेंट में जाती है, तो देखती कि उसका अपार्टमेंट पूरा खाली रहता है, इसका मतलब युनजुन वहां से कहीं और शिफ्ट हो गया है। जिसके बाद कैंगा युनजुन की एक बात सोचती है, इसमें युनजुन बोलता है, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करना और कॉलेज जाना। और इस बात को सोचने के बाद वो अपने ट्यूशन टीचर से पूछती है, क्या अगर आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल जाती है? उसकी टीचर बोलती है, हाँ। कैंगा बोलती है, तो फिर आप मेरी कॉलेज जाने में मदद करोगी? टीचर बोलती है, बिल्कुल, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम कॉलेज जाओगी। जिसके बाद कैंगा रात दिन मेहनत करके बहुत पढ़ाई करती है, और देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं और कैंगा अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देती है, पर इतने मेहनत करने के बाद भी वो अपने मन चाहे कॉलेज में नहीं जा पाती है, इसलिए वो निराश होकर एक ब्यूटीफुल से लेक के सामने खड़ी होती है। तभी अचानक से युनजुन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी युनजुन बोलता है, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ ना? कैंगा बोलती है, हाँ नहीं हुआ। युनजुन बोलता है, मैंने तुमसे बोला था ना मन लगाकर पढ़ना। ये बोलकर वो उसे एक पेपर पकड़ाता है, और जब कैंगा उस पेपर को खोल के देखती है तो वो पेपर उसका एडमिशन सर्टिफिकेट होता है। जिसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां कैंगा की मॉम युनजुन के ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी युनजुन बोलता है, मैं कैंगा को खोना नहीं चाहता हूँ, पर उसे अभी ये नहीं पता है कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है, इसीलिए मैं उसे इस लायक बनाऊंगा कि वो अपनी जिंदगी के फैसले अपने दम पे ले पाए, और अभी उसके लिए ये बेहतर होगा कि मैं उसकी जिंदगी से चला जाऊं, पर मैं उसकी जिंदगी में दोबारा वापस आऊंगा जब कैंगा अपने जिंदगी के मोटिव को पहचानेगी। कैंगा की मॉम बोलती है, तुम करने क्या वाले हो? जिसके बाद हमें युनजुन कैंगा की ट्यूशन टीचर के साथ दिखाया जाता है, जो युनजुन की फॉर्मर बैचमेट थी, और इसलिए युनजुन ने जानबूझकर अपने बैचमेट से रिक्वेस्ट की थी कि वो जाकर कैंगा को अच्छे से पढ़ाए ताकि वो एक काबिल लड़की बने और कैंगा अपना एग्जाम पास कर ले। इसीलिए युनजुन अपने कॉलेज फ्रेंड से एंटीसिपेटेड क्वेश्चन मार्क करवाकर उन क्वेश्चन को ट्यूशन टीचर की मदद से कैंगा तक पहुंचवाता था, और उसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से भी रिक्वेस्ट करके उससे अपने फॉर्मर एलिट स्कूल में एडमिशन दिलवाया था ताकि कैंगा को हर सोर्स से क्वालिटी
क्वालिटी एजुकेशन मिले और वो इतनी काबिल हो जाए कि अपने पैरों पर इंडिपेंडेंटली खड़ी हो पाए। और यूं उनके ही इतने एफर्ट्स का नतीजा है कि कहंगा आज अपने मेहनत और लगन की मदद से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली है। और अब क्योंकि कहंगा एक ऐसी लड़की बन गई है जैसा उसकी मॉम और यूं चाहते थे, इसलिए अब वो कहंगा की जिंदगी में दोबारा वापस आ गया है अपने अधूरे प्यार को पूरा करने। और इसलिए वो अपनी इतनी सालों से तड़पते अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए कहंगा को एक बहुत ही एक्सट्रीम और रोमांटिक किस करता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना।